मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसेस कि प्लांट ब्रीडिंग में कितने टाइप के क्रॉस है जनरली हम यूज करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में। यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस लिस्ट की है और एट द एंड लास्ट में हम बात करेंगे सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस की फॉर्मूला के बारे में कि आपको दे दिया जाता है कि एग्जाम में कितने पेरेंट्स नंबर ऑफ इनब्रीड लाइंस दे दी जाती है और किया पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ क्रॉस पॉसिबल है, पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉस। So first of all, we are analyzing this type of crosses. So first of all, there is a single cross, another is a double cross, three-way cross, back cross, test cross, this is a top cross and double cross, double top cross. These are some crosses which are generally used in the our regular plant breeding program. So first of all, we are discuss about the single cross. So what are single cross? When you are cross between two homozygous parent, two homozygous inbred line or two homozygous pure line, it is a known as a single cross. Example, first there is a one two homozygous parent. ये है आपके दो homozygous parent है, इन दोनों का आपने cross किया। मानो कि ये एक inbred line one है और ये एक inbred line two है, इन दोनों का आपने cross किया और जो F1 आपको मिलेगी तो इस cross को हम क्या बोलेंगे कि single cross बोलेंगे। तो ये एग्जांपल हुआ कि सिंगल क्रॉस। इस सिंगल क्रॉस में मैक्सिमम हेटरोसिस आपको एक्सप्लोइट होने को मिलेगा। तो ये बात हुई कि सिंगल क्रॉस के बारे में। अब डबल क्रॉस क्या है कि आप चार पेरेंट यूज करें, फोर पेरेंट फोर इनब्रीड लाइन यूज करें और दो F1 का क्रॉस करें, दो सिंगल क्रॉस का क्रॉस करें, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि डबल क्रॉस बोलेंगे। देखते एग्जाम्पल उसका। ये टू इनब्रीड लाइन है, हमने ये एक सिंगल क्रॉस किया, उससे आपको क्या मिलेगी कि F1 मिलेगी। ये F1 हुई, बाद में इनका क्रॉस करेंगे हम दूसरी दो इनब्रीड के साथ, ये अनदर एक सिंगल क्रॉस हुआ, उससे आपको क्या मिलेगी कि F1 मिलेगी। अब ये दोनों F1 का क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि डबल क्रॉस मिलेगा। तो ये बात हुई कि डबल क्रॉस के बारे में। आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चार इनब्रीड लाइन यूज करें, पहले I1 into I2 F1 मिला, यहाँ पे I3 into I4 F1 मिला और ये दोनों F1 का क्रॉस किया, आपको क्या मिला कि डबल क्रॉस मिला। तो ये बात है कि डबल क्रॉस के बारे में। अब बात करते हैं थ्री वे क्रॉस क्या बोलता है। तो थ्री वे क्रॉस में कुछ नहीं होता कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सिंगल क्रॉस ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सिंगल क्रॉस करना है। I1 into I2, ये आपने सिंगल क्रॉस किया, इस F1 यहाँ पे आपको क्या मिलेगी कि F1 मिलेगी। ये F1 का आप अनदर इनब्रीड लाइन से क्रॉस करो तो आपको क्या मिलेगा कि ये आपको मिलेगा कि थ्री वे क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं कि थ्री वे क्रॉस बोलते हैं कि ये आपको सिंगल क्रॉस आया, इस सिंगल क्रॉस का आप क्रॉस कर रहे हैं अनदर इनब्रीड के साथ, इसको आप क्या बोलेंगे कि थ्री वे क्रॉस। यहाँ पे कितने पेरेंट यूज होते हैं कि तीन होमोजाइगस पेरेंट यूज होते हैं, यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं कि थ्री वे क्रॉस भी बोल सकते हैं। तो ये हमने बात की सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस और थ्री वे क्रॉस। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अभी बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस का मीनिंग आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बैक। बैक का मीनिंग क्या होता है कि रिवर्ट होना, कि फॉरवर्ड नहीं होना है, हमको क्या जाना है कि रिवर्स जाना है। यहाँ पे आप सिंगल क्रॉस में क्या करते थे कि आई वन इंटू आई टू, यहाँ पे आपको क्या मिलती थी कि एफ वन हाइब्रिड मिलती थी। अब इस एफ वन का है, इस एफ वन का क्रॉस आप करेंगे एनी ऑफ दिस टू पेरेंट, कोई भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे कि बैक क्रॉस बोलेंगे। हमने सिंगल क्रॉस में देखा था कि ये दोनों पेरेंट है, आइदर ये होमोजाइगस हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए और क्या हो गए कि होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। ये है आपका रिसेसिव पेरेंट और ये है आपका डोमिनेंट पेरेंट। बैक क्रॉस में क्या है, आइदर ऑफ द होमोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। अब कोई भी होमोजाइगस डोमिनेंट हो और कोई भी होमोजाइगस रिसेसिव हो, उसका आप F1 से क्रॉस करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बैक क्रॉस बोलेंगे। अभी यहाँ पे आपकी F1 आई, हम उसका क्रॉस करेंगे कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ये भी हुआ आपका बैक क्रॉस। और F1 जो थी उसका हम क्रॉस करेंगे कि रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ, ये भी हुआ आपका बैक क्रॉस। तो ये दोनों एग्जाम्पल है बैक क्रॉस के कि आपको बैक में जाना है कि आपको पेरेंट के साथ फिर से क्रॉस करना है F1 हाइब्रिड का, उसको हम क्या बोलेंगे कि बैक क्रॉस बोलेंगे। अब क्या है कि टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या है, नाम ही इंडिकेट करता है कि टेस्ट। यहाँ पे हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, किसका टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे लिंकेज का टेस्ट करेंगे।
लिंकेज का टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंकेज में होता है कपलिंग फेज होता है, रिपल्सन फेज होता है, उसका हम टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर का टेस्ट कर सकते हैं इस टेस्ट क्रॉस के द्वारा। बाद में है कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से पेरेंट होमोजाइगस है, कौन से पेरेंट हेटरोजाइगस है, इन सब का टेस्ट कर सकते हैं हम टेस्ट क्रॉस के साथ। अब टेस्ट क्रॉस कैसे करना है कि वो बैक क्रॉस जैसा ही है लेकिन इसमें डोमिनेंट पेरेंट यूज नहीं करना है, ओनली होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यूज करना है। यहाँ पे आप ये आप निकाल दो तो ये क्या हो गया कि आप टेस्ट क्रॉस हो गया। F1 का क्रॉस किया हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा कि टेस्ट क्रॉस मिलेगा। तो ये है पूरा टेस्ट क्रॉस। तो हम इसे क्या सकते हैं, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने बैक क्रॉस में क्या किया था, F1 × 2 होमोजाइगस पेरेंट, ये 2 होमोजाइगस पेरेंट है और ये पूरा आपका बैक क्रॉस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस कि ये जो टेस्ट क्रॉस है वो एक बैक क्रॉस है लेकिन ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, कि ये जो बैक क्रॉस है ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस है लेकिन ये जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। ऑल दी टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस लेकिन ऑल दी बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो ये आपको सेंटेंस एक याद रखना है कि ऑल दी टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो ये हमने बात की बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि कोई भी हमारी वैरायटी हो, यहां पे हम ले लेते हैं कि इनब्रीड लाइन ले लेते हैं, ये इनब्रीड लाइन है उसका हम क्रॉस करेंगे ओपन पोलिनेटेड वैरायटी यानी कि ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि टॉप क्रॉस वैरायटी मिलेगी। अब ये टॉप क्रॉस वैरायटी है, टॉप क्रॉस वैरायटी का हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्टर पेरेंट यूज कर सकते हैं ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हाइब्रिड लाइन का हम क्रॉस किया कि ओपीवी के साथ क्रॉस किया तो हमें क्या मिला कि टॉप क्रॉस मिली। अब यहां पे दूसरा है कि डबल टॉप क्रॉस कि दो हाइब्रिड लाइन है आपकी, यहां पे आपको क्या आया कि F1 आया, F1 का हम क्रॉस करेंगे ओपीवी के साथ तो हमें क्या मिलेगा कि डबल टॉप क्रॉस। तो ये है कि टॉप क्रॉस और ये है डबल टॉप क्रॉस। आपको हाइब्रिड लाइन से क्रॉस करना है ओपीवी के साथ तो आपको मिलेगा कि टॉप क्रॉस, और आपको F1 का क्रॉस करना है ओपीवी के साथ तो आपको क्या मिलेगा कि डबल टॉप क्रॉस। तो ये हमने बात की कुछ टाइप ऑफ क्रॉसेस व्हिच आर जनरली यूज्ड इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अबाउट द सिंगल क्रॉस एंड डबल क्रॉस। कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपको नंबर ऑफ इनब्रीड लाइन दे दी जाए, नंबर ऑफ पेरेंटल लाइन दे दी जाए और कितने नंबर ऑफ क्रॉस सिंगल क्रॉस पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ पेरेंटल लाइन दे दी जाती है, n नंबर, मानो कि 4 पेरेंटल लाइन आपके पास है कि इनब्रीड 1, इनब्रीड 2, इनब्रीड 3 एंड इनब्रीड 4, ये 4 पेरेंटल लाइन है तो कितने नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस पॉसिबल है। पहले हम थियोरेटिकल देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस पॉसिबल है। पहले I1 का क्रॉस करेंगे हम I2 के साथ, तो I1 का क्रॉस करेंगे I3 के साथ, I1 का क्रॉस करेंगे I4 के साथ, बाद में I2 का क्रॉस करेंगे I3 के साथ, I2 का क्रॉस करेंगे I4 के साथ और I3 का क्रॉस करेंगे I4 के साथ। ये नंबर ऑफ पॉसिबल सिंगल क्रॉस हुए कि आपको n = 4 दे दिया जाए और आपको 4 इनब्रीड लाइन है, 4 पेरेंटल लाइन है तो कितने नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस पॉसिबल हुए कि 3 और 3, 6 नंबर ऑफ क्रॉस पॉसिबल हुए। अब इनका फॉर्मूला क्या है, तो n × n-1/2 ये है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ सिंगल क्रॉस। तो क्या हुआ कि n = 4 और 3 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 और नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉस कितना है, 6 है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है n × n-1/2, ये फॉर्मूला हुआ कि नंबर ऑफ पॉसिबल सिंगल क्रॉस आपको दे दिया जाएगी n = 4। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि कैसे कितने नंबर ऑफ क्रॉस सिंगल क्रॉस पॉसिबल है। n = 4 ही रखते हैं यहाँ पे हम, और बात करते हैं डबल क्रॉस के बारे में। तो कितने नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है,
यहाँ पे पर फिर से चार पेरेंटल लाइन में यूज करता हूं, चार पेरेंटल लाइन है। अब आपको यूज करना है कि कितने नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम मैन्युअली बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है। आई वन इंटू आई टू, ये एक डबल क्रॉस हुआ, आई फोर ये एक डबल क्रॉस हुआ, बाद में एक होता है आई आई वन इंटू आई थ्री और टू को यहां पे ले जाएंगे और आई टू क्रॉस आई फोर, ये एक डबल क्रॉस हुआ। यहां पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए कि यहां पे I1 into I2 लिख लिया इस पेरेंट में, फीमेल पेरेंट में, तो यहां पे फिर से आपको मेल पेरेंट में I1 into I2 फिर से रिपीट नहीं करना है, पॉसिबल बताना है कि ओनली वन टाइम कितना पॉसिबल है। यहां पे अब पॉसिबल होगा कि I1 into I4 और पॉसिबल होगा I2 क्रॉस I3, तो ये तीन नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है, बाद में कोई पॉसिबल नहीं होते। बाद में यहां पे आपको I2 into I3 ले लो, तो यहां पे I2 into I3 आ गया, तो ये क्या हो गया है कि रिपीटेशन हो गया, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके तीन टाइप ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल हुए। कि अब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by 8, ये इनका फॉर्मूला है। अब यहां पे आप वैल्यू रखो तो n equal to 4, 4 का 1 minus means 3, 2 और 1 divided by 8 से यहां आ जाएंगे 4 8, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉस आए कि तीन नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉस आए, तीन नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है। तो ये पूरा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल क्रॉस आर पॉसिबल व्हेन देयर इज अ फोर नंबर ऑफ एम्प्टी लाइन। अब यहां पे आपको n इज इक्वल टू 10 दिया जाए, n इज इक्वल टू 15 दिया जाए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डबल क्रॉस पॉसिबल है और कितने नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस पॉसिबल है। तो ये पूरी दोस्तों आज हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में बात की और सिंगल क्रॉस एंड डबल क्रॉस का फॉर्मूला बात की। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।